नमस्कार दोस्तों, VNM सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं SBI की KYC डिटेल का फॉर्म कैसे भरते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये मेरे पास भरा हुआ फॉर्म है। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अपनी ब्रांच डाल देनी होगी। जो भी आपकी ब्रांच है उसका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नेम यानी आपका जो भी खाते में नाम है वो यहाँ पे भर देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर, आपका जो भी SBI का खाता संख्या है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद नीचे आ जाते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी इसमें आप इंडिविजुअल हो या फिर फॉरेन नेशन हो तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आता है ऑक्यूपेशन टाइप, इसमें क्या है, आप जो भी अगर जॉब करते हो और जॉब भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो जिसमें भी जॉब करते हो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, या फिर अदर पे, या फिर आप कोई काम करते हो, जो भी आप कैटेगरी में फॉल करते हो वो यहाँ पे टिक कर देना। एक यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनुअल इनकम यानी आपकी सालाना जो भी आय है वो यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड संख्या डाल देंगे और यहाँ पे पैन कार्ड संख्या डाल देंगे। अब यहाँ पे OBD में अपना, या तो आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे टिक कर देंगे, वोटर ID है या DL है कोई भी एक पे आप यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपने टिक किया है उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेंट एंड परमानेंट डिटेल, यानी इसमें एक आप DL की ही कॉपी दे दीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप प्रोवाइड करा दीजिए, उसका सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर लिख देंगे और यहाँ पे अपना पूरा परमानेंट एड्रेस भर देंगे, अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड, स्टेट, सारा सही सही भर देंगे। अब यहाँ पे आता है करस्पोंडेंस या कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका सेम है तो सेम एज अब लिख देंगे, अगर आपका कोई कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पे पूरा भर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो यहाँ पे दे दीजिएगा, वरना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल ID इसलिए देना जरूरी है कि दोस्तों कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो बैंक वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। यहाँ पे जिस दिन आप ये फॉर्म भर के बैंक में सबमिट कर रहे हो वो यहाँ पे डेट लिख देंगे और यहाँ पे प्लेस अपने सिटी का नाम लिख देंगे और यहाँ पे आपके जो भी खाते में साइन है दोस्तों वो यहाँ पे कर देंगे, जो भी बैंक खाते में आपके साइन है वो यहाँ पे कर देंगे। ये बैंक यूज ओनली है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बैंक वाले भर लेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या ध्यान देना है, आपको एक तो आधार कार्ड की कॉपी, एक पैन कार्ड की कॉपी और एक यहाँ पे DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपने टिक किया है, इन तीनों की कॉपी लेकर आप अपने खुद साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करके बैंक वालों को इस फॉर्म के साथ दे दीजिएगा। जो भी बैंक का डेज है, मतलब 7 वर्किंग डेज जो भी होते हैं उसमें आपकी KYC अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।